पिछले कुछ दिनों से चीन लगातार ताइवान के साथ युद्ध की साजिशें बुनने में लगा था। ताइवान के इर्द गिर्द चीन अपना चक्रव्यूह और मजबूत करता जा रहा है। हाल ही में चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्ध अभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए थे। चीन ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन तक को पार कर दिया था, लेकिन अब चीन ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा। ताइवान में घुसपैठ करने के लिए चीन ने सिविलियन फेरीज यानी सार्वजनिक इस्तेमाल में आने वाली नावों और बोट्स को अपने काम में लेना शुरू कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट्स की कमी है, इसी कारण चीन सिविलियन नावों और बोट्स को अपने कब्जे में ले रहा है और इन पर चीन सेना के बख्तरबंद वाहनों को ढो रहा है। दो साल के भीतर चीन ऐसा तीसरी बार कर रहा है जब उसने ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल को शुरू किया है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि साल 2027 तक ताइवान को अपने कब्जे में लेना है। वहीं ताइवान के मिलिट्री चीन से बहुत छोटी है, लेकिन ताइवान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे बचाते हैं। इसके अलावा करीब 150 किलोमीटर लंबी ताइवान की खाड़ी भी काफी मददगार है। चीन की नौसेना के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा युद्धपोत हैं, लेकिन ताइवान की खाड़ी में उतरते ही ये साफ तौर पर दिख जाते हैं, जिससे ताइवान के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो जाता है। लेकिन चीन की एक वीडियो ताइवान की चिंता जरूर बढ़ा रही है। वीडियो में चीन अपनी आर्टिलरी को ताइवान की दिशा में तैनात कर रहा है। चीनी वायुसेना के बम वर्षकों को उड़ान भरते भी दिखाया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इन बम वर्षकों और आर्टिलरी में जिंदा हथियार लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सीधा हमला किया जा सके। चीन के इस एक्शन से ताइवान की चिंता बढ़ना जायज है। उधर अमेरिका के हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल इस समय ताइवान पहुंचे हैं, जिससे आग बबूला हुए चीन ने ताइवान को धमकी दे डाली है और इस युद्ध अभ्यास को चीन पनिशमेंट ड्रिल कह रहा है।